एल्कोहल में बेटे टू थ्री कंपाउंड्स लिखो जिसका कॉमन नेम पता होना चाहिए आपको। ये डायोल्स होते हैं जिसमें दो OH ग्रुप है। अगर IUPAC नेम बोलोगे तो यू विल से एट इथेन 1 2 डाइऑल, ऐसे बोलोगे। दिस इज इथेन एंड इट इज हैविंग 2 OH ग्रुप, तो इट इज इथेन। अब क्योंकि यहाँ पे बेटे डी आ गया, यहाँ पे वॉल नहीं है, तो यहाँ पे पूरा इथेन लिखा जाएगा, ठीक है? नहीं तो जैसे इथेनॉल लिखते हो तो ई काट देते हो, तो यहाँ पे ई लिखा जाएगा। और इसको कहते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल। दिस इज कॉमन नेम, इनका कॉमन नेम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। दिस इज प्रोपेन 1 3 डायोल। प्रोपेन हो गया ना, और वन और थर्ड पोजीशन पे क्या है OH, दैट इज प्रोपेन 1 3 डाइऑल। और इसी का एक कॉमन नेम है, दैट इज प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। इन द सेम है बेटे, तीनों पे OH आ जाए। तो दिस इज प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, और इसका कॉमन नेम इम्पोर्टेंट है, दैट इज ग्लिसरोल। जो आप ग्लिसरीन ग्लिसरीन कहते हो यही है, उसका फॉर्मूला ये है ग्लिसरीन का। हाँ, दैट इज दिस वन। IUPAC करो, कितने कार्बन है? 3 प्रोपेन प्रोप एन 1 2 3 ट्राई ऑल, 3 OH हो गए ना बेटे, तो ट्राई ऑल। चले आगे, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। क्या है ईथर? एक एस्टर करोगे जो आप कर चुके हो, एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर्स बनते हैं, वो 10th में आता है। ये एक नया फंक्शन ग्रुप है ईथर, ठीक? ROR, दिस इज ईथर। जैसे अल्कोहल में ROH है, मीन्स OH के साथ कोई R ग्रुप लगा है, जैसे CH3OH, C2OH5, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना? इधर इधर भी R ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप है, ठीक है? इधर भी कोई कार्बन है, इधर भी कोई कार्बन है, इसे ईथर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर्स। अब इसका सीखो IUPAC नेम और कॉमन नेम। जैसे ये फर्स्ट ईथर हो जाएगा,
इधर और इधर दोनों तरफ मैंने मिथाइल ले लिया। ठीक है, इधर भी आर ग्रुप है, इधर भी, तो दोनों तरफ मैंने फर्स्ट ले लिया, मीन्स मिथ वाला, मिथाइल वाला ले लिया, मिथाइल मिथाइल। अब जो जब दोनों सेम है तो कोई भी एक उठा लो, अदरवाइज छोटा वाला उठाते हैं, कोई भी एक उठा लो, उसके पीछे लगाओ ऑक्सी, क्या लगता है ऑक्सी, तो इसका IUPAC नेम में लिखोगे मिथ ऑक्सी, और एक आर ग्रुप को वैसे ही बोला जाता है मिथेन। कॉमन नेम में जैसे कि अल्कोहल में, कॉमन नेम में हम क्या करते थे कि पूरा अल्कोहल बोलते थे मिथाइल अल्कोहल। अब ये डाई मिथाइल ईथर कॉमन नेम में इट इज डाई, दो बारी मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर। पोजीशन अब इसको नेम ही कैसे क्या मान लो, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, ठीक है, तो आप छोटे वाले को पकड़ लोगे तो क्या बोलोगे, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन, अब एक तरफ क्या है इथाइल, एक तरफ क्या है मिथाइल। अब अल्फाबेट में ई पहले आता है तो आप बोलोगे इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर सेम हो तो क्या बोलोगे इसको, अपने आप करो, इथॉक्सी इथेन करो, अपने आप इथॉक्सी इथेन। द कॉमन नेम विल बी डाई इथाइल ईथर। ठीक है, चलो नेक्स्ट ग्रुप इज एल्डिहाइड, बस यही करना आपने, यही कुछ करते रहना है। अगर सी तीन कार्बन लगे हो तो आप क्या बोल दोगे, अगर तीन कार्बन और दो कार्बन तो इथॉक्सी प्रोपेन, अगर दोनों तरफ तीन तीन कार्बन लगे हो तो डाई प्रोपाइल ईथर। हाँ मतलब आसपास देखने हैं बेटे, हाँ तो एक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बोलोगे जैसे मैंने बोला, हाँ तो तीन है तो एक तरफ कितने हैं दो और एक तरफ कितने हैं एक, तो कम वाले को हमने बोल दिया मिथॉक्सी और ज्यादा वाले के लिए बोल दिया इथेन। कहाँ लगे, अरे बेटे ऑक्सीजन के राउंड देखो ये,
अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा दूंगी तो आप बोलोगे इथॉक्सी प्रोपेन या इथाइल प्रोपाइल ईथर। चलो जी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है ये, इसके फंक्शनल ग्रुप में अपना ही एक कार्बन, ठीक है, इसका सफिक्स होता है अल, अल इसका सफिक्स यूज होता है। ये मैंने ओपन करके क्यों दिखाया, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के अराउंड तीन बॉन्ड ऑलरेडी है, तो अगर कंडेंस फॉर्म में लिखना हो तो मैं सी एच ओ लिखूंगी, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर इसलिए बताया जाता है कि रिएक्शंस आपने करनी होती है तब रिक्वायर्ड है, या आपको बॉन्डिंग का पता चले, अदरवाइज सी एच ओ भी ठीक है। ओके, दिस इज द ओपन, दिस इज द कंडेंस। अब एक कार्बन ऑलरेडी है तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हम एक हाइड्रोजन ही तोड़ लगाएंगे, हम फर्स्ट कंपाउंड से शुरू कर रहे हैं। सी भी लगाओगे, एक और सी लगाओगे, सी लगाते जाओगे, सी तो लगाते ही रहना हमारा धर्म है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फर्स्ट वर्ड रूट क्या है, मिथ, ये क्या है एन मिथेन, और ये क्या है अल। तो प्राइमरी सफिक्स मिथ वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स, अल सेकेंडरी सफिक्स, तो मिथेनल। ई हटा दिया अगेन क्योंकि ए एल ए वॉवल था। अब इसका कॉमन नेम हमें याद रहना चाहिए, इसका कॉमन नेम हमें याद रहना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड एसिड का, फॉर्मेल्डिहाइड, द कॉमन नेम इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फर्स्ट टू का कॉमन नेम आपको याद रहना चाहिए अकॉर्डिंग क्लास 12th एंड 11th, अदरवाइज जे इसके लिए तो बहुत है, प्रोटोन एल्डिहाइड भी है, बहुत कुछ कर लेना। नेक्स्ट चीज, अगर एक कार्बन बढ़ा दें हम, मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया, अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए थ्री हाइड्रोजन लगा दिया हमने, टू कार्बन वाला बन गया एल्डिहाइड, तो ये हो गया इथेनल। और इसका कॉमन नेम हो गया एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप एक और कार्बन बढ़ा दो तो इसका कॉमन नेम याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख लो। नेक्स्ट बनाओ,
नेक्स्ट एल्डिहाइड, और ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा टर्मिनल होगा, बीच में कभी नहीं आएगा। एल्डिहाइडी ग्रुप हमेशा टर्मिनल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, बीच में आता है तो ये कीटोन बन जाता है। ब्यूटेनल बनाओ हरिया, कॉमन नेम लिखो बुटेर एल्डिहाइड, बुटेर, दिस इज कॉमन नेम। ठीक है, नेक्स्ट कीटोनिक ग्रुप, कीटोन्स, देखो एल्डिहाइड और कीटोन एक ही फैमिली को बिलोंग करते, वो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। फर्क इतना है कि एल्डिहाइड एक टर्मिनल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप एक मिडल आने वाला ग्रुप है। समझ आई? इसकी किट बन जाती है, बीच में आ जाता है। तो बीच में कैसे आता है? सी डबल बॉन्ड ओ, उसमें भी था एक तरफ, उसके पास एच था, मगर इसके पास दोनों तरफ आर है। ठीक है, अब ईथर में तो बीच में ही होता, इसका ऊपर चला गया, बीच में कार्बन, क्योंकि ये फर्स्ट ही कंपाउंड, क्योंकि बीच में एक कार्बन होना चाहिए, इधर भी एक कार्बन होना चाहिए, इधर भी एक कार्बन होना चाहिए, तो फर्स्ट कंपाउंड थ्री कार्बन कंपाउंड है। इसमें एल्डिहाइडिक में फर्स्ट कंपाउंड वन कार्बन था, मगर कीटोन में फर्स्ट कंपाउंड ही थ्री कार्बन को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसका सफिक्स होता है ओन, कीटोन से ओन चुरा लिया जाता है, जैसे एल्डिहाइड का अल चुरा लिया था, ए एल आगे वाला। ठीक है, कीटोन का जो सफिक्स है वो ओन है। अब ये थ्री वाला है तो इट इज प्रोपे नॉन, कॉमन नेम है, अगेन पूरा फंक्शनल ग्रुप बोलोगे तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, दैट इज डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल ईथर किया था ना, वैसे सेम ये हो गया डाई मिथाइल अब मैं अगर ये लगाऊं तब भी ये ब्यूटेन टू ऑन है। ठीक, अगर मैं ऐसे बनाऊं तब भी ये ब्यूटेन टू ऑन है। ठीक है, इट इज ब्यूटेन टू ऑन, और कॉमन नेम क्या बोलोगे? इथाइल मिथाइल कीटोन। एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, और बीच में कीटोन है। ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन ऑन क्या?
क्या क्या उच्च बोले। हाँ तो ये बेटे अंडरस्टूड है, ये ब्यूटेन टू ऑन ही रहेगा। टू ऑन लिखोगे तब भी गलत नहीं है, अगर नहीं भी लिखोगे, जैसे कल वो पूछा था कि प्रोपेन वन ऑल या टू ऑल लिखना जरूरी, उसमें जरूरी है क्योंकि OH की पोजीशन दो बनती है, इसमें हमेशा टू ही बनेगी पोजीशन, जिसमें टू के अलावा कोई नहीं बनेगी, उसमें टू लगाओ ना लगाओ कुछ नहीं है। अगर आप ब्यूटेन टू ऑन नहीं भी लिखोगे या लिख दोगे दोनों सही है, तो ये सेकंड पोजीशन पे ही रहेगा हमेशा, ना इसकी फर्स्ट बननी है ना इसकी थर्ड बननी है। अब पेंटेन टू ऑन और पेंटेन थ्री ऑन डिफरेंट, बनाओ पेंटेन टू ऑन और थ्री ऑन। अरे आप पेंटेन टू ऑन एंड पेंटेन थ्री ऑन, ऑन ये क्या बनाया आपने, टू है या थ्री है, टू कहाँ है, ये तो थ्री ऑन है बेटे। वन टू थ्री पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, कॉमन नेम भी लिखो इसका, दोनों का कॉमन नेम लिखो, पेंटेन टू ऑन क्या बनेगा आगे, प्रोपाइल कीटोन, सेकंड का क्या बनेगा, डाई इथाइल कीटोन, खुद बनाओ जरा। बीच में सी डबल बॉन्ड ओ को छोड़ दो, आसपास क्या लगा है, दोनों तरफ इथाइल लगे हैं तो डाई इथाइल कीटोन। ये कुछ नहीं कि अभी स्टार्ट है, अपने दिमाग चलाना शुरू कर दो सब। अब आ जाओ एसिड फंक्शनल ग्रुप है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा बेटे जब रिवीजन स्टार्ट होनी है, मैंने चैप्टर नहीं रिवाइज करवाने आपको, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा आपको, मैं पहले बता दूंगी ये पढ़ के आना है स्कूल, और उसके क्वेश्चंस हम करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर आना है, तो जितनी आपकी ड्रिलिंग करवाओ उतनी कम है, चैप्टर आप खुद पढ़ के आओगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम रिवीजन क्लासेस में चैप्टर करना शुरू कर देंगे ना, फिर तो क्वेश्चंस हो गए, और फिर आप क्या आगे मार्क्स पक्का, मुझे बताएं। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, किस वे में पेपर आना है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होके आएंगे, वो प्रैक्टिस होगी यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक ऐसे ही ट्वेल्थ में हम प्रिपेयर करते हैं, 3 दिन एक टॉपिक को लगाना है हमने, और 3 दिन तक वही टॉपिक चला करेगा एक चैप्टर, और आपने तो पढ़ के आया करना है कि आप आंसर्स दे सको, जो नई चीज समझ आ रही होगी वो आप समझ भी सकते हो ही नहीं, पर हमारा मेन है कि अपने रिवीजन क्लासेस पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर खुद अपनी तरफ से पढ़ के आना, थर्टी फाइव क्वेश्चंस होंगे आपके, 90 मिनट्स का पेपर है, 2 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन, बस। क्या ये सीबीएसई नहीं दिया है बेटे आपको,
बी प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन के एक फॉर्म नहीं आना, सिंपल एमसीक्यू, एमसीक्यू विद टू ऑप्शंस, असर्शन रीजनिंग, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ आना है, ठीक है? पढ़ना शुरू कर दो। अब आ जाओ नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। द फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस, मतलब एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, ठीक है? इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। सफिक्स है इसका ओइक एसिड, ठीक? जैसे कि मीथेनल किया था तो एक हाइड्रोजन लगा दी थी आपने, तो क्या नेम दिया था आपने? मीथेनल। अब ये क्या है? एसिड, तो मीथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। अब ये क्या हो जाएगा? ये तो आप करते भी हो, दिस इज इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिडिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट टू बना दो एसिड जल्दी। नेक्स्ट टू, थ्री कार्बन वाला, फोर कार्बन वाला बनाओ, हरी अप। ये भी टर्मिनल है, ये जरूरी नहीं है एंड स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, मतलब चेन की टर्मिनल पोजीशन पे है, मिडल में कभी नहीं आता ये, मिडल में आएगा तो साइड पे लटका हुआ आएगा, वो हम बाद में सीखेंगे। हाँ, तो ये क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। इसमें आई ओ एन आ जाता है, थ्री कार्बन वाले का यहाँ पे बन जाता है प्रोपेनोइक। फोर कार्बन वाला बनाओ, हरी अप। इसका कॉमन नेम है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, एसिड के डेरिवेटिव्स पे। देर आर फोर एसिड डेरिवेटिव्स, इस वे में समझोगे जल्दी याद हो जाएगा, अदरवाइज जनरली बुक्स में गिवन होता है एसिड अमाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड अमाइड्स क्लोराइड और क्या रह गया? एस्टर। चार एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, इनको डेरिवेटिव्स की फॉर्म में करोगे जल्दी याद हो जाएगा, अदरवाइज ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह गिवन होते हैं, ठीक है? डेरिवेटिव के हिसाब से सीखो। क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा क्लास 12th में। ये एसिड था और यहाँ पे कुछ भी आर ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हर बारी
अब हमने ये इस मान लो हमने HCl से रिएक्ट किया और हर बारी हमने वाटर रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, तो OH यहां से जाएगा और H HCl से जाएगा, ठीक है, तभी वाटर रिमूव होगा, ठीक। तो बाकी क्या बचा, R CO CL, वाटर तभी तो जाएगा, वाटर क्या होता है बच्चे, H2O, तो OH कहां से निकला, एसिड से, H निकला HCl से, तो क्या निकला, वाटर। तो ये फर्स्ट, ये आपको रिएक्शन याद नहीं करनी है, ये जस्ट टू रिमेम्बर कि एसिड डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड, नेक्स्ट अगर मैं इसको अमोनिया से रिएक्ट कर दूं, अगेन मैं वाटर रिमूव करूं, तो यहां से OH गया, यहां से H गया, यहां पे क्या बचा, NH2, तो मेरे पास ये बना R C डबल बॉन्ड O NH2, इसे कहते हैं एसिड अमाइड। नेक्स्ट अगर मैं इसको अल्कोहल से रिएक्ट कर दूं और फिर से वाटर रिमूव करूं, तो अगेन वहां से OH गया, यहां से H गया, तो मेरे पास क्या बना, R C डबल बॉन्ड O, वो R अल्कोहल का OR, इसका एसिड, इसे कहते हैं एस्टर्स। ठीक है, अल्कोहल से आके लगे, अल्कोहल का एच चला गया, बाकी क्या बचा, वो आर ही तो बचा। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर एस्टर, ये जब करेंगे ना हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप तो ध्यान में रह जाएगा, फिर सबकी नेमिंग करेंगे। और लास्ट आता है एनहाइड्राइड, वो हम कल देखेंगे, ये यहाँ भी आप कॉन्टिन्यूशन में रखना चार्ट।